लोग उस शिव को अपना समझें इसका प्रयास करिए, आपके मन में वो खुद न खुद बस जाएंगे। आपके दिल में आप शिव को अपना कैसे समझिएगा, ये बहुत कठिन है। तीन सूत्रों के माध्यम से इस दशा में पहुंचना, इस स्थिति में पहुंचना कि मन मेरा महादेव को अपना समझे, उस गुरु को अपना समझे, उस शिव को अपना समझे, है बहुत कठिन। इसका भी वही तरीका है जो शिष्य बनने का तरीका। जैसे शिष्य बनने के लिए दूसरों को शिष्य बनाना होता है, वैसे ही दूसरों के दिल में शिव को के प्रति अपनापन जगाइए, आपके दिल में शिव के प्रति अपनापन जगेगा। स्वतः कोशिश करेंगे, खुद बखुद कोशिश करेंगे, नहीं होगा। हमने एक बार महादेव से कहा कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है, सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग शिव चर्चाएं खूब कर रहे हैं, उनकी चर्चाओं के बाद तालियां भी बहुत बजती, उनकी प्रशंसा भी होती है कि खूब चर्चा करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत गौर से देखा। अब बहुत गौर से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपका सामान्य सा आचरण बताता है कि आपकी मन स्थिति कहाँ है, हमारी मन स्थिति कहाँ है, एक मेरा मामूली सा आचरण बता दे। तो मैंने महादेव से कहा कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि लोग शिव के शिष्य बन तो रहे हैं, चर्चाएं भी बढ़ रही हैं, चर्चाएं भी लोग कर रहे हैं और अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं, जिसको अवधारणा बोलते हैं, अवधारणा पर कर रहे हैं, सही से ही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं, दूसरों को परगलाते भी नहीं है वो। लेकिन उनके दिल में उस महादेव के प्रति दर्द नहीं पैदा हुआ। इसका उपाय क्या होगा? कल रात में भी मैं कह रहा था, लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि जैसे बंगाल में पुलिस ने कह दिया था भीड़ देख के कि आमी पार्बो नाई, भीड़ ज्यादा थी और हम लोग पुलिस की मदद चाह रहे थे और पुलिस ने हाथ उठा दिए कि आमी पार्बो नाई, मतलब इस भीड़ को हमसे नियंत्रण हमसे नहीं होगा। तो हमने भी महादेव से कहा आमी पार्बो नाई, तो हमसे नहीं होगा। लेकिन ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा, आमी पार्बो नाई ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा, हमको आपको तो कोशिश करनी हो, प्रयास करना हो, तो उस शिव को अपना समझ सकें हम आप। और जैसे जैसे अपना समझेंगे, गुरु कार्य को भी अपना समझने लगेंगे, गुरु भाइयों और बहनों को भी अपना समझने लगेंगे। शिव को अपना समझेंगे तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना समझेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक। किसी आदमी को आप प्यार करते हैं तो उसके सामान में आग थोड़ी ही लगा देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। पत्नी का कपड़ा ऊपर में पसरा हुआ है, धूप में सुखाया जा रहा है, भीग मैंने धुलने के बाद बादल घिर आए हैं, पत्नी बाजार गई है, क्या करिएगा, उन कपड़ों को भींगने दीजिएगा या उठा के रखिएगा? बिल्कुल स्वाभाविक है उठा के रखेंगे, कपड़े भींगेंगे क्यों, सूखे कपड़े हैं। यानी पत्नी से प्यार है तो उसके कपड़ों से भी प्यार, तो शिव से प्यार है तो शिव के लोगों से, शिव के शिष्यों से, शिव की व्यवस्था से, शिव के कार्य से भी मोहब्बत होगी। और तब लगेगा कि हम आप शिव के सचमुच में शिष्य होते चले जा रहे हैं। अभी लग रहा है कि हम लोग चर्चा के शिष्य होते चले जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम नमन शिवाय के शिष्य, अब तो नमन शिवाय के शिष्य लोग कम है, मर गए। होना तो चाहिए कि शिव के शिष्य बने हम, माध्यम मंजिल थोड़े ही है। ये तीन सूत्र आपके हमारे सहारे के लिए, हमने कई बार चर्चाओं में कहा कि ये तीन सूत्र तो हमारे आपके मन को इस याद में रखते हैं कि शिव हमारे आपके गुरु हैं। हम आप इस याद को भूल नहीं जाए, और कोई याद या कोई विचार जब आपके मन में बहुत दिनों तक रह जाता है तो ये भाव का रूप लेता। आज तक भारतवर्ष में भाव की व्याख्या नहीं हुई, लेकिन हमने कहा कि कोई विचार जब बहुत दिनों तक आपके मन में घर कर जाएगा तो वो भाव का रूप लेगा। किसी से दुश्मनी है, अगर विचार खड़ा रह गया तो दुश्मनी का भाव पैदा होगा।
उसी तरह से दोस्ती का है, उसी तरह से पति पत्नी का है, उसी तरह से भाई बहन का है, उसी तरह से गुरु शिष्य का है। और जैसे भाव पैदा होगा, मैंने कहा है आपको कि अध्यात्म का कोई भी इंजन, कोई अध्यात्म की कोई भी मशीन, अध्यात्म का कोई भी क्षेत्र भाव की कुंजी से ही खुलता है। वो मारन उच्चाटन सम्मोहन हो या फिर आसमान की ऊपर की शक्तियां हो, वो खुलेगी, वो चीजें खुलेंगी, आपके निकट आएंगी, आपसे उनका सानिध्य तभी होगा जब भाव की कुंजी का इस्तेमाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो भाव से ऊपर भी हैं, जैसे श्लोक में कहा गया ना, भावेन लभते देवता, भावेन कैसे कैसे है देव दर्शनम। तो भाव से देवता तो लब्ध है, लेकिन महादेव तो देवता से ऊपर नहीं, नाम में बोल रहा है महादेव। भावे ने लभते देवता न है, तो देवता में महादेव तो आता नहीं, देवताओं का भी बॉस है, नामे शब्द ही बोलता है महादेव। वहां थोड़ा और भाव जब प्रगाढ़ होगा और प्यार के धरातल के नजदीक पहुंचेगा, तब महादेव की कुर्सी डगमगाएगी, यानी आप महादेव के सानिध्य में जाने लगेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप महादेव के सानिध्य में जाएं, आप शिव के सानिध्य में जाएं। शिव आपके गुरु हैं तो सचमुच में आपके गुरु हों, हमारी आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ऐसा है नहीं, मैं टेस्ट भी करता हूं, जो ही बुद्धि है थोड़ी सी, मैं जांचता भी हूं और लोग हार जाते हैं। अगर शिव का सहारा होता तो हवा का झोंका वो तो बर्दाश्त कर लेते, नहीं करते, कर्म फल उनको पकड़ लेते हैं। बहुत सारे कर्म तो हैं जो कर्म फल, कर्म के बीज हैं, जो शिव के थोड़ा सानिध्य में जाइएगा तो स्वतः दग्ध हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझको लाचारी कहना पड़ता है, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार, ये लाचारी है मेरी, क्योंकि हम आप शिव के निकट जा नहीं पा रहे, तीन सूत्रों में लिपट के रह गए। ठीक है, तीन सूत्र गलत नहीं है, वो शिव द्वारा प्रदत्त हैं, शिव ने दिए हैं, लेकिन उनको उनसे लिपट के रहना तो नहीं है। वो तो आपको दिया गया है साधन, जिसे दुनिया को आप शिव से बना सके, खुद भी बन जाए। हमारे आपके कर्मफल जो हैं, जो बाधक बनते हैं, उसके लिए हमको कहना पड़ता है वही फिल्म वाली लाइन, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। अगर हमारा आपका शिव से थोड़ा भी सानिध्य होता तो इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, और इसका उपाय सीधा है, खुद बखुद नहीं होगा, अपनी कोशिश से नहीं होने वाला। कोशिश क्या होनी चाहिए? दूसरे शिव को अपना समझें, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा आपका मन धीरे धीरे उस शिव को अपना समझने लगेगा, और जैसे जैसे किसी चीज को अपना समझने लगेगा, आपके आचरण में क्या उतरेगा ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहां से उतरेंगे, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ नहीं बोलेगी, आप अपना चप्पल ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और ढूंढ लेंगे आप, देखिए अपनापन है। तो शिव से जैसे जैसे अपनापन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा, आप उनकी चीजों से, उनके लोगों से, उनकी परिधि में जो लोग आते हैं, सबसे आपका सामीप्य बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। आपकी दुविधाएं, आपकी असुविधाएं, आपके द्वंद, आपके कष्ट खुद ब खुद घटने लगेंगे, कम हो जाएंगे, छोटी मोटी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, आएंगी नहीं। बड़ी परेशानियां हैं तो कौन इसकी फिक्र करता, यहां तो आता ही आदमी जाने के लिए, कौन इसकी चिंता करता। इस दिशा में कदम बढ़ाना कि दूसरे अपना समझें उस महादेव को, उस गुरु को, इसमें कोशिश करनी है। और जो लक्ष्य है हमारा 2015 का, उस दिशा में प्रयास करना है।
जिसको जहाँ जैसा मौका मिलता है उसको उस शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। जिनके पास उपाय हैं, साधन हैं, वो जाएं। जो नहीं जा सकते हैं, जहाँ रहेंगे वहीं करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। नहीं, लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। चर्चा माध्यम है, दूसरा सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। चर्चा सीढ़ियां हैं, छत थोड़ी है वो। इसका सहारा लेंगे हम लोग, तीन सूत्रों का सहारा लेंगे हम लोग, और लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस शिव को धरती पर उतारेंगे हम लोग।